हेलो फ्रेंड्स, कल जो अपन लास्ट टॉपिक कर रहे थे वो कर रहे थे पुली कंस्ट्रेंट। क्या कर रहे थे? पुली कंस्ट्रेंट। तो उसके अंदर अपने पास एक रिजल्ट निकल के आया था, अगर पुली मूविंग है तो वीपी वेक्टर इज इक्वल टू वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2। अगर पुली मूविंग हो तो ब्लॉक ए, ब्लॉक बी और पुली की जो वेलोसिटी के बीच में रिलेशन होता है वो ये होता है। ये कब है? इफ पुली इज मूविंग। अगर पुली रेस्ट पे हो, इफ पुली इज एट रेस्ट, तो भाई वीपी कितना हो जाएगा? जीरो। अगर पुली रेस्ट पे है तो यहां पे जीरो रखोगे तो जीरो इज इक्वल टू वीए वेक्टर प्लस वीबी वेक्टर बाय 2। सॉल्व करोगे तो वीए बराबर माइनस वीबी, यानी ए और बी की वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट होती है अगर पुली रेस्ट पे हो जाए। पुली रेस्ट पे तो जितना ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा दूसरा ब्लॉक उतना पक्का से नीचे जाएगा। तब तो सिंपल रिजल्ट होता है, एक की वेलोसिटी होती है वही दूसरे एंड की वेलोसिटी होती है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। और अगर पुली भी मूव कर रही है देन द रिलेशन इज वीपी इक्वल टू वीए प्लस वीबी बाय 2 लगता है। इसके ऊपर अपन एक न्यूमेरिकल भी कर चुके थे, इसके ऊपर देखिए और न्यूमेरिकल देखिए और क्वेश्चन करते हैं, इससे आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए यहां से पुली अपन ने लगाई, ठीक है, ये जो सपोर्ट होता है ये अपन हैचिंग करते समय होता है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। इसका एक एंड, इसका दूसरा एंड, इसके दूसरे एंड से मैंने मान लीजिए एक और पुली जोड़ दी और इसके दूसरे एंड से मान लीजिए मैंने एक और पुली जोड़ दी, और ये तीनों एंड मैंने एक ब्लॉक से जोड़ दिए, और यहां पे एक ब्लॉक लगा दिया। मैंने आपसे पूछा कि मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकंड से मान लीजिए नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, तो बताइए इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी। मान लीजिए ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, आपसे वीए पूछा कि ए की स्पीड कितनी होगी और किस डायरेक्शन में होगी, कुल मिलाकर आपसे ए की वेलोसिटी पूछी है ना। चलिए अब देखिए इसके अंदर ये पुली तो फिक्स सपोर्ट से जुड़ी हुई है तो ये पुली तो चलेगी नहीं। अच्छा ये पुली मूवेबल है, देखो अगर ये स्ट्रिंग हिली, जैसे मान लो आप ब्लॉक को नीचे खींचोगे 20 मीटर पर सेकंड से, तो ये एंड इस ब्लॉक से जुड़ा होगा, ये भी तो इस एंड की स्पीड भी यहां नीचे की तरफ होगी 20, ये भी नीचे जा रहा होगा 20 से और ये भी जा रहा होगा 20 से, क्योंकि तीनों एक ही ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, पूरा ब्लॉक एक साथ 20 से नीचे जा रहा है। तो देखो ये अगर एंड इसका नीचे जाएगा तो ये वाला एंड ऊपर जाएगा, और इस एंड से आपने क्या कनेक्ट किया पुली, तो ये पुली कैसी है आपकी मूविंग और ये पुली भी आपकी कैसी है मूविंग। इसमें से भाई ये कैसी है फिक्स्ड पुली, ये कैसी है मूविंग और ये भी कैसी है मूविंग पुली। चलिए आपसे पूछिए इसकी स्पीड कितनी होगी और किस डायरेक्शन, यानी ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, किस स्पीड से जा रहा होगा। तो सबसे पहले इस पुली की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी वाली पुली है, इस पुली, ये पुली आपकी फिक्स पुली है, इसका जो ये वाला एंड है ये 20 से नीचे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका दूसरा एंड इस पुली से जुड़ा हुआ है। तो मुझे पता था अगर पुली फिक्स होती है तो एक एंड जितनी स्पीड से नीचे जाता है दूसरा एंड उतनी ही स्पीड से ऊपर जाता है, तो यानी ये जो पुली और ये जो इस स्ट्रिंग का ये वाला एंड है ये मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, पुली से। अगर ये एंड 20 से ऊपर जाएगा तो ये पुली भी 20 से ऊपर जाएगी, यानी मेरे पास इस पुली की स्पीड आ गई 20 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। अब इस दूसरी वाली पुली की अगर मैं बात करूं तो ये दूसरी वाली जो पुली है ये ऊपर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, इसका एक एंड जुड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो इसकी स्पीड नीचे की तरफ है 20, और इसका दूसरा एंड जुड़ा हुआ है इस वाली पुली से, इस सेकंड पुली की बात करें तो। अच्छा जी अब देखो ये पुली मूविंग है तो आप लगा दीजिए वीपी वेक्टर इज इक्वल टू वीए प्लस वीबी बाई 2। अच्छा वीपी किधर है भाई? ऊपर की तरफ, मान लो ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो तो ये हो जाएगा प्लस 20। ये जो एंड है इसका, ये ए एंड बी एंड है ना, तो ये वाला जो एंड है वो किधर जा रहा है नीचे, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी भाई माइनस 20। अच्छा इस वाले एंड की स्पीड मुझे पता नहीं है तो ये निकालनी है, ये आ गया वीबी वेक्टर बाय 2। सॉल्व कर लो 22 जा 40 और ये प्लस का 20 इज इक्वल टू 60, सॉरी वीबी वेक्टर
तो वी बी वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 60 बराबर वी बी वेक्टर। प्लस 60 का मतलब देखो, प्लस आपने ऊपर वाली वेलोसिटी को प्लस लिया है और नीचे वाली वेलोसिटी को क्या लिया है माइनस लिया है। अच्छा जी, ऊपर वाली प्लस ली है नीचे वाली माइनस और आपका रिजल्ट आया प्लस में, तो यानी ये वाला जो स्ट्रिंग का ये वाला एंड है ये 60 से ऊपर जा रहा होगा और इस एंड से आपने क्या कनेक्ट कर दी पुली, तो ये वाली पुली कितने से ऊपर जा रही होगी भाई 60 से। अब आ जाओ थर्ड पुली पे, इस थर्ड पुली की अगर बात करूं तो पुली ऊपर जा रही है 60 से, इससे स्ट्रिंग जो जुड़ी हुई है उसका ये वाला एंड जा रहा है 20 से नीचे और ये वाला एंड इस ब्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी स्पीड मुझे बतानी है ठीक है। मान लीजिए इसकी स्पीड मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए जो भी ये बिल्कुल जैसे मान लीजिए लीवर है मान लीजिए ठीक है। चलो या इसको आप एक काम करो, इसको ए लिख लो इसको बी लिख लो ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत ना हो। तो इसकी स्पीड मान लीजिए वी बी है, तो इसके लिए कहूँगा तो भाई देखो फॉर्मूला यही वी पी कितना 60 यानी प्लस 60 ऊपर जा रहा है तो प्लस ले लिया। अच्छा वी ए यानी इस एंड की वेलोसिटी भाई माइनस का 20 नीचे जा रही है, इस एंड का तो पता ही नहीं है तो इसको ये तो अपना आप साइन के साथ आ जाएगा वी बी वेक्टर, प्लस आएगा वी बी की वैल्यू तो ऊपर जा रहा है माइनस आएगा तो नीचे आ रहा है 22। सोल्व कर लो कितना हो गया 120 और ये 20 ये कितना हो गया 140 बी बी वेक्टर कैसा आया प्लस, यानी ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा होगा 140 मीटर पर सेकंड से। सिंपल क्वेश्चन जिसमें मूवेबल और फिक्स पुली दोनों पुली आपके काम आ रही थी। सॉल्यूशन देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको अच्छे से देख लेना। चलिए जी और देखिए, तो जितने भी पुली है सबके ऊपर अलग अलग पहले तो ये चेक कर लीजिए कौन कौन सी पुली मूवेबल है, कौन कौन सी पुली जो है आपकी फिक्स्ड है, उसके अकॉर्डिंग मूवेबल पुली के लिए वीपी इक्वल टू वीए प्लस वीबी बाय 2 लगा दीजिए और फिक्स्ड पुली के लिए तो फिक्स ही है, दोनों एंड की स्पीड बराबर ही आती है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए ऐसा एक ब्लॉक है ठीक, ये ब्लॉक फिक्स है ठीक, यहां पे मैंने एक सपोर्ट लगाया फिक्स और इससे एक पुली कनेक्ट करती है, इस पुली से एक स्ट्रिंग ये यहाँ पे ब्लॉक जोड़ा हुआ है, मान लीजिए इस ब्लॉक का नाम है बी ठीक है। अच्छा ये स्ट्रिंग मैंने यहां से ले लिया और यहाँ पे एक पुली कनेक्ट कर दी मैंने और इसका जो दूसरा एंड है उससे भी मैंने एक पुली कनेक्ट की और इस पुली से जो स्ट्रिंग चल रही है उसका एक एंड ग्राउंड में और दूसरा एंड एक और पुली से कनेक्ट कर दिया, इसका एक एंड ग्राउंड से और एक एंड यहां पे ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये मल्टीपल पुली वाले क्वेश्चन है, अगर आपको कंसेप्चुअली समझ में आता है तो आपको पता चलेगा यहाँ पे मैं कितनी भी पुली जोड़ दूँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बस मेथड वही रहेगा, रिजल्ट में थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे पर मेथड सेम ही रहेगा। मान लीजिए मैंने ये बोला कि ये आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे, अब इसको नीचे खींचोगे तो देखो ये एंड तो फिक्स है तो ये, अब इसको नीचे खींचोगे तो ये पुली नीचे आएगी। अच्छा ये पुली नीचे आई तो ये स्ट्रिंग नीचे आएगी, ये स्ट्रिंग नीचे आएगी तो देखो ये एंड तो फिक्स है तो ये पुली को नीचे आना पड़ेगा, ये पुली नीचे आई तो इससे ये वाली स्ट्रिंग इधर खींचेगी और अगर ये स्ट्रिंग इधर गई तो ये वाला ब्लॉक इधर भागेगा, तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको मोशन दूंगा तो इसके अंदर भी मोशन आएगी, कंस्ट्रेंट मोशन है। अच्छा जी तो अगर मैंने बोला अगर इसको स्पीड दी जाए 2 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक, ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कुल मिलाकर आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है ना। चलिए जी अब यहां पे आपको वेलोसिटी दे रखी है, आप यहां से चालू कीजिए भाई, ये एंड फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी कितनी 0, ये एंड भी फिक्स है तो इसकी वेलोसिटी कितनी भाई 0। तो चलिए पहली वाली पुली इस वाली पुली के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए बाकी सब कुछ भूल जाइए। ये मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है, ये जा रहा है आपका 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे और ये वाला इस पुली का एंड है, इसकी स्पीड है 0। मान लीजिए इस पुली की स्पीड आती है वीपी, कितनी आती है वीपी, वीपी 1 लिख लेता हूं इसको ठीक है। तो वीपी कितना हो जाएगा, वीपी वेक्टर इज इक्वल टू वीए प्लस वीबी, वीए कितना बेटा -2 नीचे जा रहा है तो -2 प्लस वीबी कितना सर जी बी पॉइंट पे सर जो दूसरा एंड है इस स्ट्रिंग का ये तो चल ही नहीं रहा, इसकी स्पीड तो कितनी है 0/2। तो सोल्व करोगे तो VP1 वेक्टर इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड आ गया।
अच्छा माइनस वन मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ कि यानी ये जो पुली है ये नीचे की तरफ आ जाएगी वन मीटर पर सेकंड से। अच्छा अब इस पुली से ये वाली स्ट्रिंग जुड़ी हुई है यानी ये वाली स्ट्रिंग नीचे आएगी वन मीटर पर सेकंड से। अब इस वाली पुली की बात करो, इस वाली पुली का जो ये वाला एंड है ये तो जा रहा है वन मीटर पर सेकंड से और ये वाला एंड है ये फिक्स है यानी इसकी स्पीड जीरो है। इसकी वेलोसिटी मान लो जी VP2 है इस वाली पुली की, तो VP2 वेक्टर इक्वल टू VA प्लस VB यानी 1 और 1 भी कैसा देखो ये नीचे जा रहा है तो ये माइनस 1 प्लस 0 बाई 2 तो जो VP2 आएगा वो आएगा माइनस का हाफ मीटर पर सेकंड। यानी जो ये सेकंड वाली पुली है ये 1 पुली थी, ये 1 ये 2, ये 2 वाली पुली की जो स्पीड आई वो आई माइनस का हाफ यानी ये वाली पुली नीचे जा रही होगी माइनस का हाफ मीटर पर सेकंड से। अब ये पुली हाफ से नीचे जा रही है तो स्ट्रिंग हाफ से नीचे आ रही होगी। ये पुली आपकी फिक्स है देखो ये तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर इस बैच के ऊपर एकदम फिक्स है तो ये हाफ से इधर आएगा तो ये वाला एंड हाफ से इधर आएगा। अच्छा ये पुली भी फिक्स है तो इसका अगर ये वाला एंड हाफ से इधर गया तो ये वाला एंड हाफ से इधर आएगा बोल सही क्या। तो इसकी वैल्यू 2 है, इसकी निकाली तो ये आया 1 से नीचे जा रही है, इसकी 1 थी तब ये आया हाफ से नीचे जा रही है। अब ये फिक्स है तो ये हाफ से इधर आया तो ये हाफ से इधर जाएगा। अब ये भी पुली फिक्स है, ये स्ट्रिंग ये वाली हाफ से इस डायरेक्शन में जाएगी तो ये हाफ से फिक्स पुली के लिए। तो भाई दोनों स्ट्रिंग दोनों साइड वाली जो स्ट्रिंग होती है उनकी स्पीड क्या होती है सेम होती है बस डायरेक्शन अपोजिट, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे यानी कुल मिलाकर इस जो फ्लो की स्पीड आएगी वो आएगी हाफ मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है चलिए जी अच्छा क्वेश्चन है देखिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट देखिए जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन दूं आपसे ऐसा डायग्राम दिया मैंने, तीन पुली है, इन तीन भाई ये फिक्स है ये भी फिक्स है और ये मूवेबल है, ये हिल सकती है देखो ये किसी फिक्स सपोर्ट से कनेक्ट नहीं है। मान लीजिए ब्लॉक है ए, ये है बी, ये है सी, मान लीजिए मैंने इसको नीचे खींचा 4 मीटर पर सेकंड से और इसको मान लीजिए ऊपर भेजा 2 मीटर पर सेकंड से तो मैंने कहा ये किधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जाएगा तो किस स्पीड से जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे गया तो पक्का से ये 4 मीटर पर सेकंड से ये वाला एंड ऊपर जा रहा होगा क्योंकि ये फिक्स पुली है, इसका एक एंड 4 से नीचे तो इसका एक एंड 4 से ऊपर। अब ये 2 से ऊपर गया तो इसका ये वाला एंड 2 से नीचे आएगा 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छा जी मुझे इसकी स्पीड बतानी है तो इस पुली को अलग से बना लो, इसका जो ये वाला एंड है ये जा रहा है 4 से, ये वाला एंड है ये आ रहा है 2 से और मुझे बताना है इसकी स्पीड c की। तो ये जिस भी स्पीड से ऊपर जा रहा होगा या नीचे आ रहा होगा यानी जिस स्पीड से पुली मूव करेगी उससे ब्लॉक मूव करेगा क्योंकि पुली से तो करेक्ट है, जितना पुली नीचे जाएगी उतना ही ब्लॉक नीचे जाएगा। तो भैया मैंने इसकी स्पीड मान लीजिए पुली की स्पीड वीपी वेक्टर लिखा मैंने वीपी वेक्टर क्योंकि जो इस पुली की स्पीड होगी वो ही इस ब्लॉक की स्पीड होगी, मुझे इस ब्लॉक की स्पीड पूछी गई थी वीसी पूछा गया था मेरे से। तो वीपी इक्वल टू वीए प्लस वीबी बाय 2, वीए कितना प्लस 4, वीबी कितना ए और बी क्या होते थे दोनों एंड्स की स्पीड होती थी ना माइनस 2, ये ऊपर जा रहा है तो प्लस, ये नीचे जा रहा है तो माइनस बाय 2। तो आंसर जो आपका आया वो कितना आया देखो ऊपर हो गया प्लस 2 बाय 2 यानी प्लस 1, प्लस का मतलब आपने अपवर्ड डायरेक्शन को देखो प्लस लिख रखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस, ये प्लस रिजल्ट आया तो यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा और इसकी स्पीड होगी प्लस 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी चलिए जी और देखिए अच्छा देखो ऐसे इन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक और मेथड है, ये जो जिनमें मल्टीपल पुली आ जाती हैं इनको एक और तरीके से सोल्व किया जा सकता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ मेथड। देखो कैसे अप्लाई होता है, देखो मान लीजिए इफेक्टिव लेंथ मेथड कुछ केस में ये मेथड क्वेश्चंस को बहुत इजी बना देता है ना।
तो बस इसको तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी क्वेश्चंस को बहुत इजी बनाने वाला है। देखो ये आता कैसे, लगता कैसे है, होता क्या है ये देखो। मान लीजिए ये कोई पुली है, फिक्स है मान लीजिए, और ये ब्लॉक है ए और ये ब्लॉक है बी। अच्छा मान लीजिए यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है एक्स ए, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है मान लीजिए वो है एक्स बी मान लीजिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए पुली की रेडियस आर है, तो जो ये वाली लेंथ है ना ये होगी पाई आर। तो कंस्ट्रेंट क्या है, स्ट्रिंग अपन कैसे मान के चलते हैं, इनएक्सटेंसिबल। तो स्ट्रिंग की टोटल लेंथ चेंज नहीं हो सकती फिलहाल, इस जब तक ये यहां पे है, इस यहां पे ये डिस्टेंस है एक्स ए प्लस इसके बाद स्ट्रिंग की लेंथ पाई आर पुली के ऊपर आएगी प्लस एक्स बी बराबर लेंथ। और ये आपके पास क्या रहेगा भाई, कांस्टेंट रहेगा। देखो लेंथ कभी भी पूरी स्ट्रिंग की, चाहे ये रस्सी, अब देखो ये रस्सी ये जैसे मान लो ये नीचे गया ये ऊपर गया, कैसे भी इसने जैसे मोशन किया, तो क्या एक्स चेंज हो जाएगा जी सर, क्या एक्स भी चेंज हो जाएगा यस सर, क्या पाई आर कभी चेंज होगा, नहीं सर। इतनी लेंथ तो इस पुली के ऊपर हमेशा रहेगी, ये लेंथ तो पुली के ऊपर हमेशा रहेगी, पुली से टच में रहेगी, तो एक्स ए और एक्स भी चेंज हो सकता है। उसके अलावा ना तो ये लेंथ चेंज हो सकती है ना ही स्ट्रिंग की टोटल लेंथ, टोटल लेंथ तो हमेशा एल ही रहेगी स्ट्रिंग की। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एल माइनस पाई आर, तो एल माइनस पाई आर हमेशा कॉन्स्टेंट, क्योंकि ना एल चेंज होने वाला है ना पाई आर चेंज होने वाला है। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये होगा डी एक्स ए बाई डी टी टाइम के रेस्पेक्ट में किया प्लस डी एक्स बी बाई डी टी इक्वल टू जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है जीरो। अच्छा dx से by dt क्या है, dx से by dt क्या है, इस लेंथ के चेंज होने की रेट, इस लेंथ के चेंज होने की रेट। अच्छा इस लेंथ के चेंज होने की रेट, देखो अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो क्या ये लेंथ चेंज होगी इस पॉइंट से नीचे नीचे की, यस सर। तो अगर ये लेंथ चेंज होगी तो जिस रेट से चेंज होगी ये होगा dx a by dt, और वो इस ब्लॉक की स्पीड के बराबर होगा। जैसे मान लो ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है नीचे, तो हर सेकंड 2 मीटर नीचे आएगा, तो देखो ये लेंथ इस साइड में 2 मीटर बढ़ती जाएगी और इस साइड में 2 मीटर घटती जाएगी। तो dx a by dt क्या होता है आपका, इस लेंथ के चेंज होने की स्पीड, और इस लेंथ के ये क्या है, ये लेंथ ये है इस और इस पॉइंट के बीच का सेपरेशन, यानी ये क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के सेपरेशन के चेंज होने की रेट है। अच्छा इन दोनों पॉइंट्स का जो सेपरेशन जो चेंज होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो सेपरेशन चेंज होगा वो इस पॉइंट की वेलोसिटी पे और इस पॉइंट की वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करेगा भाई, इन दोनों पे वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा कि सेपरेशन कैसे चेंज होगा। अच्छा अच्छी बात ये है कि ये दोनों पॉइंट, ये पुली फिक्स है, तो पुली के इस एंड की और इस एंड की वेलोसिटी कितनी रहेगी भाई, जीरो रहेगी। तो dx से by dt क्या होगा, ये होगा va, जितना जिस स्पीड से देखो इनके चेंज होने की, जितनी स्पीड से ये चलेगा उसी रेट से तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन चेंज होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट तो चल ही नहीं रहा, ये पॉइंट तो कैसा है, फिक्स्ड पुली पे है, कैसा है, ये फिक्स्ड पुली पे है, फिक्स्ड पुली पे है, तो ये पॉइंट तो चल नहीं रहा, तो जितनी स्पीड से ये चलेगा उसी रेट से ये चेंज होगा। और ऐसे ये dx by dt ये कितना हो गया भाई, vb, v वेक्टर प्लस vb वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा जी देखिए ये va और dx by dt क्या हो गया, vb हो गया। अच्छा दो टर्म्स का सम जीरो आ रहा है, इसका मतलब इनमें से कोई टर्म प्लस भी होगी और कोई टर्म माइनस भी होगी, है ना। अब प्लस माइनस कैसे लेंगे इनमें से, dx से by dt को मैं प्लस लूं या इसको माइनस लूं, कैसे लेंगे प्लस और माइनस। अब देखो सिंपल सा आपको रूल ये पता होना चाहिए, देखो अगर टाइम के साथ x बढ़ता है तो dx by dt प्लस लिया जाता है पॉजिटिव, और अगर x घट रहा है टाइम के साथ तो dx by dt कैसा लिया जाता है, नेगेटिव। जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो x से बढ़ेगा, तो अगर ये ब्लॉक नीचे जाए तो x से बढ़ा, तो अगर x टाइम के साथ बढ़ रहा है तो dx by dt कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर ये नीचे गया तो ये एंड ऊपर जाएगा, अब ये एंड ऊपर जाएगा तो एक्स बी की वैल्यू तो घटेगी, देखो ये पुली के, ये पुली और इस ब्लॉक का सेपरेशन है, तो ये ब्लॉक इस पुली के जैसे जैसे पास में जाएगा तो ये भाई ये सेपरेशन घटने वाला है, तो घटने वाला है, जब भी एक्स की वैल्यू घटती है यहाँ पे एक्स बी है तो एक्स बी की वैल्यू घटेगी, तो भाई इसको कैसे लिया जाएगा भाई, आपका नेगेटिव लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा आपका, नेगेटिव लिया जाएगा। ओके कुल मिला के देखो याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रखिए, ये तो मैथड है, एक्स बढ़ेगा तो dx by dt पॉजिटिव ले लो, एक्स घटेगा तो dx - dt कैसे ले लो, नेगेटिव ले लो। इसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना बहुत आसान है, टेंशन ना लीजिए। आप ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव को फास्ट फास्ट लिखेंगे, आप ऐसे देखिए कि जैसे ये पॉइंट चला
तो ये इस लेंथ को अगर बढ़ाएगा तो प्लस ले लो, और लेंथ को घटाएगा तो माइनस, मान लो नीचे चला तो क्या ये वाली लेंथ बढ़ती जाएगी? यस सर, तो ये नीचे आता जाएगा तो इधर रस्सी बढ़ती जाएगी। तो देखो अगर कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है तो भाई उसकी वेलोसिटी ले लो प्लस, और कोई पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है तो वो ले लो माइनस। देखो अगर ये ब्लॉक नीचे चला तो क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा? तो भाई अगर ये नीचे चला तो इसकी वेलोसिटी प्लस ली जाएगी, और ये नीचे चला तो ये पक्का ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर गया तो ये एक्स बी को घटाएगा, यानी देखो ये इस सेपरेशन को घटाएगा तो इसकी वेलोसिटी कैसे ले ली जाएगी? नेगेटिव। तो कुल मिलाके अगर बहुत सारी मल्टीपल पुलीज हैं तो देखो, और कुछ मूवेबल है कुछ नॉन मूवेबल या फिक्स्ड है, तो आप ये देख लो कि कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को घटा रहा है, कौन सा पॉइंट स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है। जो जो स्ट्रिंग की लेंथ को घटाएंगे वो सब नेगेटिव, और जो बढ़ाएंगे वो सब वेलोसिटी उन सब की प्लस ले लो, और सिंपल रिजल्ट। तो ये फिक्स पुली तो है, ये मेथड नया आ गया, वरना जब फिक्स पुली थी तो आपका यही तो रिजल्ट था v = -ub, a जितने से चलेगा b उतने से चलेगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही तो है, बस ये रिजल्ट ड्राइव करने का दूसरा तरीका है, और ये पहले अपन ने अलग तरीके से ड्राइव किया था, अब ये इफेक्टिव लेंथ मेथड से ड्राइव किया है, क्योंकि मुझे पता था कि लेंथ कांस्टेंट है। क्या पता था मुझे? लेंथ कांस्टेंट है। ओके, अब इस मेथड को अप्लाई करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि सिंपल ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो मुझे पक्का पता है कि ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, ठीक है, वो तो मुझे पता है, ठीक है। पर इफेक्टिव लेंथ मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है वो सिखा रहा हूं इस क्वेश्चन में। देखो आएगी तो उसकी 2 मीटर पर सेकंड ऊपर, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, पर वो सिंपल क्वेश्चन है जब मैं डायरेक्ट बता पा रहा हूं, जब ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा तब डायरेक्ट तो बताया नहीं जाएगा, तो तब तो कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तब कैसे लगाएंगे जब देखिए, तो सबसे पहले स्ट्रिंग के पॉइंट्स मार्क कर लो जो किसी भी चीज से कांटेक्ट में है। पहला पॉइंट ये ब्लॉक से कांटेक्ट में है, दूसरा पॉइंट ये पुली से कांटेक्ट में है, तीसरा पॉइंट ये पुली से है, और चौथा पॉइंट ये इस पुली से सॉरी इस ब्लॉक से कनेक्ट है। अच्छा, इन पॉइंट्स को सबसे पहले नाम दे दो 1 2 3 4, और मुझे पता था कि वेलोसिटी का सम हमेशा कितना रहता है? जीरो, या वेव अपन जैसे अपन ने पिछले किया था वेव प्लस वीबी बराबर जीरो आया था, यानी सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का सम जीरो आएगा। यानी देखो v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस v4 वेक्टर, आप तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मार्क कर लीजिए पुली पे या ब्लॉक पे, जितने भी ब्लॉक पे हैं जितने भी पुली पे उनको मार्क कर लीजिए, और उन सबकी वेलोसिटी बराबर जीरो रख लीजिए बिना सोचे। अब सबकी वैल्यू रखी जाइए, भैया ये नीचे जा रहा है तो v1 1 पॉइंट की वेलोसिटी, ये नीचे जा रहा है तो क्या ये इस वाली लाइन को बढ़ाएगा या घटाएगा? सर बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। देखो ये नीचे जाएगा तो ये लेंथ बढ़ेगी, यस सर, इस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ेगी ना, तो इसको लो भाई प्लस। अभी पहले की तरह नहीं है, नीचे वाले माइनस ले लो ऊपर वाले प्लस ले लो, है ना। अब इफेक्टिव लेंथ मेथड लगा रहे हैं तो लगाने का तरीका क्या है, जो जो पॉइंट लेंथ को बढ़ाएंगे उनको प्लस ले लो, जो जो घटाएंगे उनको माइनस ले लो। यहां पे लेंथ बढ़ने या घटने से लगेगा, तो ये नीचे गया तो भैया ये लेंथ बढ़ेगी इसके नीचे जाने से, तो इसके वेलोसिटी लेंगे प्लस 2, ठीक है। 2 और 3 ये दोनों पॉइंट किस पे है बेटा? पुली पे, और पुली कैसी है? फिक्स्ड पुली तो चली नहीं रही, तो ये जीरो ये भी जीरो, ये दोनों पॉइंट तो हिलेंगे नहीं, शुरू में भी यहीं थे और लास्ट तक ये 2 और 3। क्या 1 पॉइंट नीचे चला जाएगा 4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा? पर ये दोनों पॉइंट तो यहीं के यहीं रहेंगे, इन दोनों की वेलोसिटी कितनी है? जीरो, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पुली के ऊपर है। अच्छा, अब इसका v4 वेक्टर फॉर्म में लिखो, क्योंकि मुझे नहीं पता ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब चलिए देखते हैं, v4 वेक्टर बराबर -2 मीटर पर सेकंड आ गया। माइनस टू का मतलब ये लेंथ को डिक्रीज करेगा, प्लस का मतलब लेंथ को बढ़ाएगा, माइनस मतलब लेंथ को घटाएगा। अब ये इस लेंथ को घटानी है तो इसको किधर चलना पड़ेगा? ऊपर, और ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये 2 की स्पीड से नीचे जाएगा तो ये 2 की स्पीड से ऊपर जाएगा, है ना। अभी सोच लीजिए, पहले आपको ये मेथड अप्लाई करने का तरीका समझाया मैंने, है ना, ऐसा नहीं सर सिंपल सवाल लिया तो मैं डायरेक्ट बता देता, तो डायरेक्ट बताया जा सकता था, पर जब क्वेश्चन टिपिकल होगा तब भी बताया जा पाएगा। देखो जब मैं इसमें और क्वेश्चन कराता हूँ एक, आपको और समझ में आएगा। अब मैंने बस लगाना सिखाया आपको, अब उसको अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी अभी क्वेश्चन करवाया था आपको, देखो ये वाला, उसके अंदर 3 पुली ली थी, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनसे 3 ब्लॉक जोड़े थे, देखो 1 2 और 3, इसको नाम दिया था ए बी
सी, मैंने कहा था ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है और ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो इसकी स्पीड बताओ कितनी। मान लीजिए इसकी स्पीड v है, मान लीजिए इसकी स्पीड, मुझे इसकी स्पीड बतानी थी, तो मैंने कैसे निकाला था, सर ये फिक्स पुल है तो ये 4 नीचे तो ये 4 ऊपर, ये 2 ऊपर तो ये 2 नीचे, और उसके बाद ही मूवेबल पुली का फॉर्मूला लगा दिया था मैंने ना। अब कैसे करें देखो, इफेक्टिव लेंथ मेथड कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखो पॉइंट मार्क करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा इनमें से चारों पॉइंट की वेलोसिटी तो भाई जीरो होगी क्योंकि चार पॉइंट किस पे है, फिक्स्ड पुली पे है, ठीक है। अच्छा जी कुल मैं तो लिख लेता हूं, सबसे पहले v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर प्लस v3 वेक्टर प्लस v4 वेक्टर प्लस v5 वेक्टर प्लस v6 वेक्टर प्लस v7 वेक्टर प्लस v8 वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से 2 3 6 एंड 7 ये सब तो भाई 0 है, ठीक है। अच्छा बचा v1, भाई v1 यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी, सर ये 4 से नीचे जा रहा है क्या, यस सर, और ये इस लेंथ को बढ़ाएगा तो भाई प्लस 4, देखो v1 की वैल्यू होती है प्लस 4, v2 v3 0। अब आ जाओ v4 पे। अच्छा v4 और v5 ये तो इस ब्लॉक की स्पीड पे डिपेंड करेंगे ना, देखो ये ब्लॉक इस पुली से जुड़ा हुआ है तो जिस स्पीड से ये ब्लॉक चलेगा उसी स्पीड से ये पुली चलेगी, और जिस स्पीड से पुली चलेगी उस ये दोनों पॉइंट पुली पे हैं तो उसी स्पीड से ये पॉइंट भी नीचे आएंगे। तो मुझे पता है अगर ये v से चल रहा है तो v4 की भी वैल्यू v आएगी और इसकी भी वैल्यू भाई v आएगी, तो v4 और v5 यहां ये दोनों इक्वल होंगे v के, तो v4 प्लस v5 कितना हो जाएगा 2v, तो दोनों पॉइंट इसी पुली पे सेम पुली पे है। अब ये पुली मान लो v से चल रही है तो ये भी v से आया, ये भी v से आया, तो स्पीड कितनी होगी भाई 2v। अच्छा जी 6 7 0 8 8 की वैल्यू, ये ऊपर जा रहा है लेंथ उठा रहा है तो -2 = 0, ठीक है। सॉल्व कर लो ये कितना हो गया, 4 में से 2 गए तो 2 बचे प्लस 2v इक्वल टू 0, तो v की वैल्यू आ गई -1। -1 मतलब ये लेंथ को डिक्रीज करेगा, 4 v क्या है 4 और पॉइंट और 5 की वेलोसिटी, यानी ये लेंथ डिक्रीज, यानी ये लेंथ डिक्रीज कब करेगा, ऊपर चलेगा तभी तो ये लेंथ डिक्रीज होगी, तो यानी ये 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। चेक कर लेना बेटा इतना ही आंसर आया था। तो सबसे पहले आपको इफेक्टिव लेंथ मेथड में क्या करना है, सभी पॉइंट्स को मार्क करना है, सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का सम जीरो करना है, उनमें से कुछ पॉइंट्स तो बेटा फिक्स होंगे जो जिनकी वेलोसिटी जीरो होगी, आगे से मैं ये पूरी इक्वेशन नहीं लिखा दूंगा, ठीक है। मुझे पता रहेगा सबसे, मैं देखो इसको फास्ट तरीके से कैसे लगाएं मैं वो आपको समझाने के लिए करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट से मैं चालू क्या करूंगा, ये नीचे जा रहा है लेंथ बढ़ा रहा है, मैं लिखा दूंगा प्लस 4, बेटा ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा 0 0। अच्छा इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी बराबर थी यानी 2v। अच्छा ये 0 और ये ऊपर जा रहा है तो लेंथ बढ़ा रहा है, -2 = 0, सिंपल एक लाइन लिखूंगा, ये आंसर आ जाएगा आपका, बोलो सही है क्या। अच्छा तो ये इफेक्टिव लेंथ मेथड लगाने का तरीका है। चलो एक क्वेश्चन और देखिए इसके ऊपर और आपको थोड़ी क्लियरिटी आएगी। चलिए जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये कोई एक ब्लॉक है और ये कोई ब्लॉक है, ये ब्लॉक ए है ये ब्लॉक बी है, और कुछ इस तरीके से ये दोनों आपस में कनेक्ट हैं और ये एंड है फिक्स, ठीक है ये एंड मान लिया। अब मैंने बोला कि अगर मान लीजिए इसको 20 मीटर पर सेकंड से मैं इस डायरेक्शन में खींचूं तो ये वाला ब्लॉक किस स्पीड से खींचेगा, मुझे वी भी बताना है कि भाई इसको खींचोगे जब ये पुली खींचेगी तो ये इधर से इस ब्लॉक को खींचेगी, ये पुली खींचेगी तो ये भी इस ब्लॉक को खींचेगी, तो मैं क्या अगर इसको 20 स्पीड दी जाए तो ये किस स्पीड से इधर चलेगा, ठीक है ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मान लीजिए इसकी स्पीड वी है, कितनी स्पीड है v, तो देखो सबसे पहले पॉइंट मार्क कर लीजिए, देखो ये पॉइंट 1 स्क्रीन का 2 3 4 5 6 7 8 ठीक। अच्छा ये ब्लॉक इधर जा रहा है तो ये दोनों पुली इधर जा रही होंगी,
यानी ये 20 की स्पीड से इधर जा रहा होगा और ये भी 20 की स्पीड से इधर जा रहा होगा। ये पुली भी इससे कनेक्ट है तो ये भी 20 से इधर जा रहा होगा और ये भी 20 से इधर जा रहा होगा। और ये सारे पॉइंट अगर ये आप इनको कर लो, इन पॉइंट को इधर खींचोगे तो क्या ये लेंथ को बढ़ाएंगे? ये सर देखो ये यहाँ पे इस साइड को इधर खींचोगे तो लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। ये सारे लेंथ बढ़ा रहे हैं। अच्छा मान लो ये बी से इधर चला तो ये इधर कितनी स्पीड से जाएगा भाई? ये जाएगा भाई इधर जाएगा बी से। ये फाइव वाला भी किधर जाएगा बेटा? इधर जाएगा बी से। और ये भी कितने जाएगा? क्योंकि सब ये इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है तो जितने से ब्लॉक चलेगा उतने से ये है, जितने से ब्लॉक चलेगा उतने से पुली। तो ये भी बी से और ये भी। तो देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये लेंथ को घटाएंगे तो पुली पास आएंगे। अगर ये इधर चलेगा तो पुली को पास ले जाएगा, ये इन पुलिस को दूर ले जाएगा। तो ये बी से और ये बी से ये चलेंगे और फर्स्ट एंड फ्रिक्शन ये जीरो से चलेगा। ठीक है। अच्छा जी देखो मैं वापिस से अगर मैं सिंपल सिंपल ये बनाऊं, ये पॉइंट एट ये पॉइंट सेवन देखो ये पॉइंट सिक्स ये एंड इधर फाइव, इसी डायग्राम को देखो बस पुली नहीं बना रहा। ये आपका फोर, ये आपका थ्री, ये आपका टू, ये आपका वन। तो भाई वन तो आपका जीरो पे है, ये सारे ट्वेंटी 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 20 से इधर ये जीरो पे और ये सारे इधर V से V V V से। ये सारे लेंथ को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। और ये सारे लेंथ को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज। तो सभी वेलोसिटी का सम कितना होना चाहिए? जीरो। तो ये सारे प्लस आएंगे, ये सारे माइनस आएंगे, तो माइनस टोटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस की 3V V V V और प्लस कितने हो गए? 20 20 20 20 फोर बार यानी 80 प्लस के कितने हो गए 80 और इस इक्वल टू कितना होगा जीरो। तो जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 80 बाय 3। v की वैल्यू आएगी 80 बाय 3। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं। चलो इसके ऊपर ही यार ऐसे समझ में नहीं आता तो फिर आप अपना पूरा लिख लीजिए। ठीक है V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो एक ऐसा जैसा क्वेश्चन है एक और। ये पुली इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे इससे और इससे। देखो 1 2 3 4 5 6 सिक्स पॉइंट इधर कनेक्ट है और 1 2 3 4 5 पॉइंट इधर कनेक्ट है ना। ये वही ब्लॉक ए ये ब्लॉक बी मान लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए बी एक बार है ना। मान लीजिए ये ब्लॉक इधर चला 20 से, कितने चला 20 से। तो मैंने बताया कि ये ब्लॉक कितनी स्पीड से चलेगा, तो मान लीजिए बी से चला कितने से ला V से इधर। तो देखो इस एंड की स्पीड भी ये भी ये भी ये भी और ये भी। ठीक है ये एंड 20 तो इस ब्लॉक से कनेक्ट है 20 20 20 20 20 और ये जीरो। तो ये सारे लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो ये सब प्लस आएंगे और इधर वाले सारे कैसे आएंगे? माइनस। अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 सिक्स पॉइंट हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 तो सिक्स कितने हो गए? प्लस के 120 हो गए भाई। सिक्स बार प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 सिक्स बार ऐड करोगे तो 120 हो जाएगा। इधर ये सब घटाएंगे तो सारे माइनस आएंगे। तो 1 2 3 4 5 5 पॉइंट यानी 5 कितने हो गए? माइनस 5 हो गए। ये सब माइनस आएंगे, बराबर कितना होना चाहिए? जीरो। इसकी स्पीड तो जीरो लिखो चाहे मत लिखो, है ना। तो 5V बराबर हो गया 120 और V की वैल्यू आपके पास आ गई 24 मीटर। V की वैल्यू आ गई 24 मीटर पर। ठीक है। अच्छा जी सिंपल सा क्वेश्चन, इफेक्टिव लेंथ मेथड है, वेलोसिटीज का सम कितना आएगा आपके? जीरो आएगा। अच्छा दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए इस स्क्रीन पर इस स्क्रीन पे ये पॉइंट है एक्स,
और ये इस पॉइंट पे ये पॉइंट है वाली ठीक है। मैंने तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, यानी मैं अपन यहां पे बैठ जाए तो मुझे ये पॉइंट किस स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इज द वेलोसिटी ऑफ एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई रिलेटिव रेडियम पढ़ा था ना, वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ वाई, यानी आप एक बार वेलोसिटी ऑफ एक्स निकाल लो, एक बार वेलोसिटी ऑफ वाई निकाल लो और फिर दोनों को सबट्रैक्ट कर देना, वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगी, है ना, वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई आ जाएगी। ये तो आ चुका अपने पास 24, बुला चुका अपने एक्स को। चलिए अब देखो इस पॉइंट को आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए आपने स्ट्रिंग को यहां से कट कर लिया, ये कट कर लीजिए एक बार। अब मुझे बता देखो यहां से यहां तक जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ भी तो फिक्स है, स्ट्रिंग तो इन एक्सटेंसिबल है ना, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होती। यहां से यहां तक की स्ट्रिंग फिक्स है तो मैं यहां से यहां तक इफेक्टिव लेंथ मेथड लगा सकता हूं। तो मैं vx अगर मुझे निकालना है, मान लीजिए इस पॉइंट की जो स्पीड है वो vx है, मान लीजिए इसकी स्पीड vx है, तो ये एंड कितने जा रहा है 24 से इधर, तो लिख के जाओ देखो माइनस का 24, ये एंड 20 से इधर जा रहा है तो प्लस का 20, ये एंड 20 से इधर जा रहा है तो प्लस का 20, ये एंड 24 से इधर जा रहा है तो माइनस का 24, ये एंड जो आपका है ये 24 से इधर जा रहा है तो माइनस का 24, और इसकी स्पीड मान लो vx है तो प्लस का vx बराबर 0। देखो यहां से यहां तक इफेक्टिव लेंथ मेथड है 24 माइनस का प्लस 20 प्लस 20 माइनस का 24, क्योंकि ये पूरा 24 से आ रहा था 24 और ये भी माइनस 24 और इसकी स्पीड मान लो vx है, तो भैया आपके पास vx आ गया। चलो भाई सॉल्व करो, तो कितना हो गया 24 24 24, ये तो 72 हो गए, तो माइनस के तो हो गए 72 और प्लस के कितने हो गए भाई 40, प्लस का vx इज इक्वल टू 0, तो vx की वैल्यू कितनी आ गई प्लस 32। प्लस का मतलब x पॉइंट की स्पीड को बढ़ाएगा, यानी यहां पे जो ये x पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में जा रहा होगा 32 की स्पीड से, कितने जा रहा होगा 32 की स्पीड से। चलिए अब आगे आपको निकालना है vy, तो आप स्ट्रिंग को इधर से कट कर लेना और यही मेथड यहां से यहां तक लगा लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा vy आ जाएगा, तो आपके पास vx आ गया vy, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास v ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा। चलिए तो vx की वैल्यू 32 आ गई, प्लस का मतलब ये लेंथ को बढ़ाएगा, तो इधर अब आपको vy और चाहिए, तो इस लेंथ के लिए इफेक्टिव लेंथ मेथड वापस से लगा दीजिए, तो vy भी निकाल सकते हो आप, है ना। अच्छा चाहो तो इधर से भी ला सकते हो, यहां से यहां तक इफेक्टिव लेंथ मेथड लगा दो तब भी आपके पास vy आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है ना। अच्छा पर मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, मैं यहां से यहां तक को स्ट्रिंग को मान लो कट कर लो, तो आपके पास ये वाली पुली है और ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है y, ये मुझे पक्का पता है ये 32 से इधर जा रहा है और ये पुली मुझे पक्का पता है पुली पूरी 20 से जा रही है इधर, तो चाहे तो आप मूविंग पुली वाले मेथड से vy निकाल लो भाई, पुली की स्पीड कितनी है 20 ठीक है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, ये भी इधर जा रहा है प्लस का 32 प्लस का vy / 2 va plus vb by 2 is equal to vp, तो vp is equal to, अब vp को आपने प्लस रखा है, यानी इधर वाली वेलोसिटी को आपने क्या रखा प्लस, तो 32 भी कैसा आया प्लस, प्लस vy by 2, ये कितना हो गया 40 में 32 गया तो 8, ये आया भाई प्लस का 38 vy, प्लस का मतलब ये एंड भी इधर जाएगा। अब आपको कुल मिला के पता चल गया कि जो ये x पॉइंट है ये इधर जा रहा है 32 से और जो y पॉइंट है वो भी इधर ही जा रहा है 8 से, ये x है ये आपका पॉइंट है भाई। तो मैंने कहा वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ x माइनस वेलोसिटी ऑफ y, है ना, ध्यान रहे वेक्टर सबट्रैक्शन है ना, वेक्टर लिंक घटाना है आपको। चलो तो अपन कैसे करें, अपन को y के रिस्पेक्ट में बताना, तो आप y पे बैठ जाओ, y पे बैठ जाओगे तो इसकी स्पीड रिवर्स करके इसको पकड़ाओगे, तो 8 आपने रिवर्स करके इधर दे दी, तो वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y कितनी आ गई इधर आ गई 24, 32 में से 8 किया तो 24 मीटर पर सेकंड, और ये किधर आई भाई इधर, यानी वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y इज 24 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट ठीक है।
तो ये वी बाई मैंने कहां से निकाल लिया था, वो मूविंग पुली मेथड लगा के, है ना, इस पुली पे कॉन्सेंट्रेट किया क्योंकि मुझे इसके एंड की वेलोसिटी पता थी, ये पुली मुझे पता था, पुली पूरी पुली इस ब्लॉक से जुड़ी हुई है, पूरी पुली की स्पीड पता थी, तो मैंने वाई की स्पीड निकाल ली, कोई खास बात नहीं थी, है ना। अच्छा जी, दूसरा तरीका, यहां से यहां तक की स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग मान लीजिए और इफेक्टिव लेंथ मेथड लगा लीजिए, या फिर यहां से लेके यहां तक की स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग मान लीजिए और इफेक्टिव लेंथ मेथड निकाल लीजिए। तो किसी भी तरीके से निकालो तो v by सेम ही आने वाला है। मुझे सबसे आसान लगा कि इस पॉइंट की स्पीड पता है, पुली की पता है, तो इस पॉइंट की स्पीड निकालना मुझे मूविंग पॉइंट मेथड थोड़ा आसान लगा, इसलिए मैंने वो अप्लाई कर दिया। अगर नहीं करते तो इफेक्टिव लेंथ मेथड से भी निकाला था, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जितने भी अपन ने मेथड पढ़े हैं, इन सभी मेथड में जो पुली है वो जो मूव कर रही थी, जैसे मान लो ऐसे मूव कर रही है तो स्ट्रिंग ऐसी थी, ठीक, तो हमेशा जो पुली है वो स्ट्रिंग के अलोंग ही मूव कर रही थी, जैसे इधर का स्ट्रिंग की डायरेक्शन भी इधर है और पुली की डायरेक्शन भी इधर है, या आपने वो वर्टिकल पुली लगाई थी तो देखो ये नीचे जा रही है तो स्ट्रिंग भी देखो ऐसे वर्टिकल, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो स्ट्रिंग भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो अगर मान लो ऐसा ना हो कि स्ट्रिंग किसी और डायरेक्शन में हो और पुली की स्पीड किसी और डायरेक्शन में हो, तब कैसा करते हैं, जैसे देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लीजिए ये कोई पुली है, इस पे से मान लीजिए कोई स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, ठीक है, और ये पुली मान लीजिए इधर इधर मूव कर रही है वी स्पीड से थीटा एंगल पे, तो पूरी पुली वी स्पीड से मूव कर रही होगी, ये भी वी से और ये भी वी से, ठीक, ये टॉपिक है व्हेन पुली इज मूविंग एट एन एंगल, जब पुली किसी एंगल पे मूव करती है, तो देखो मैं इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो आपकी स्ट्रिंग ये है और ये वाला पॉइंट पुली के साथ इधर जा रहा है वी स्पीड से, ये एंगल देखा है थीटा, तो जब भी पुली अलोंग द स्ट्रिंग मूव ना करे तब आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लो, इधर कितना आया भाई v cos थीटा और इधर कितना आया v sin थीटा। तो देखो मुझे तो पता था ना स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहती है, तो जो वेलोसिटी का सम था वो जो जीरो आ रहा था वो एक्चुअल में क्या है, सम ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना, लेंथ। तो यहां पे ये वाला एंड इस स्ट्रिंग को ऊपर ले जा सकता है पर इसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकता, लेंथ को चेंज करने के लिए तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा भाई, ये वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, ओके। अच्छा जी, ऐसे ही आप इस एंड पे जब लगाएंगे तो ये एंड वी से इधर जा रहा है, ये एंगल थीटा है, तो इधर आएगा वी कोस थीटा और इधर आपका आएगा वी साइन थीटा, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ को कौन चेंज कर सकता है, ये चेंज कर सकता है, तो इस पॉइंट की वैल्यू से अलोंग द स्ट्रिंग मैं v sin थीटा मान के चलूंगा और इस पॉइंट की वैल्यू से अलोंग द स्ट्रिंग v cos थीटा मान के चलेंगे, है ना। तो जहां पे जब अपन वो लगाते हैं कि फार्मूला जो वेलोसिटी लिख रहे थे, जैसे कोई जैसे अपन अभी अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे मान लीजिए ये पुली थी ये 20 से इधर जा रही है, तो इस पॉइंट की भी स्पीड 20 इसकी भी 20 ऐसा माना था, अगर पुली ऐसी नहीं जा रही हो, ऐसे मान लीजिए किसी एंगल पे जा रही हो, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल दो अलोंग द स्ट्रिंग, तो अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट आएंगे, अब इस टोटल वेलोसिटी की जगह अलोंग द स्ट्रिंग जो कंपोनेंट आएगा वो कंपोनेंट काम में लिया जाता है ना। चलिए मैं क्वेश्चन करा दूं, आपको इजीली समझ में आएगा, कोई खास बात नहीं है ना इसमें। चलिए ये क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, देखो कैसे लेते हैं, देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइप के तीन ब्लॉक ऐसे हैं ए बी और सी, भाई मैंने इसको नीचे खींचा यू स्पीड से और मान लीजिए इसको नीचे खींचा यू स्पीड से, तो ये ब्लॉक ये दोनों तरफ से नीचे खींचोगे तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, मैंने पूछा ये ब्लॉक किस स्पीड से ऊपर जाएगा, मान लीजिए बी स्पीड से जाएगा, कितने से जाएगा बी स्पीड से। अच्छा जी चलिए पॉइंट मार्क कीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा
अब जो ये एंड मूव कर रहा है स्ट्रिंग का ऊपर की तरफ, ये अलोंग द स्ट्रिंग मूव नहीं कर रहा है, तो ये स्ट्रिंग जा इधर है और लेंथ किधर है, तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट निकालो तो ये आएगा वी कोस थीटा। ऐसे इसका इधर कंपोनेंट निकालोगे वी का, तो ये भी कितना आएगा वी कोस थीटा। ये आगे किस वेलोसिटी का अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट। अब आप यहां से सॉल्व करो बेटा, ये एंड यू से नीचे जा रहा है तो ये इस लेंथ को बढ़ा रहा होगा घटा रहा होगा, बढ़ा रहा होगा सर नीचे जा रहा है तो प्लस यू सर, ये जीरो क्योंकि फिक्स्ड प्लेन है दोनों। अच्छा ये वाला एंड इधर आ रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग स्पीड कितनी है v cos थीटा, सर जी माइनस क्यों ले लिया, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इस लेंथ को घटाएगा। अच्छा जी ये वाला एंड ये इधर जा रहा है, ये भी लेंथ को घटा रहा है तो माइनस का v cos थीटा। ये और ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड प्लेन पे हैं, 0 प्लस 0। ये वाला एंड u से नीचे जा रहा है तो इस लेंथ को बढ़ा रहा होगा तो प्लस u बराबर 0। सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी का सम कितना आया 0, देखो इसकी u 0 0 माइनस v cos थीटा माइनस v cos थीटा 0 0 और प्लस u बराबर 0, तो u कितने हो गए आपके पास 2, तो आपके पास आया 2u बराबर 2v cos थीटा। तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास v की वैल्यू निकालनी क्या, तो v आएगा u अपॉन cos थीटा, u अपॉन cos थीटा। चलिए जी और देखिए क्वेश्चन, ये तो रिलेशन अपन वेलोसिटी के लिए लगा रहे हैं ना, ये एक्सेलरेशन के लिए लग सकते हैं ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों के लिए लग जाते हैं ना, क्योंकि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, तो जो वेलोसिटी का रिलेशन है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो वो एक्सेलरेशन का रिलेशन भी होगा ना। जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूं, जैसे कि मान लीजिए देखो ये जो नीचे का ये सरफेस है ना ये फिक्स है, पर ये जो ब्लॉक है ना ये इसके ऊपर मूव कर सकता है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये ब्लॉक क्यों स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर चल सकता है ना, यहाँ पे एक पुली लगी हुई है जो इस वॉल से बंधी हुई है वो फिक्स है, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है ठीक है। अच्छा मान लीजिए मैंने इस ब्लॉक को स्पीड दी ए, ये इधर ए स्पीड से चला, तो मान लीजिए ये इधर चला बी से और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा, तो मैंने कहा ए और बी में रिलेशन निकालिए, कुल मिलाकर है कि अगर ये ए से चले तो बी कितना आएगा, ये ए और बी में रिलेशन ही तो हुआ, अगर मुझे ए दे दे और मैं बी निकाल लूं ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, इफ दिस ब्लॉक इज दिस वेयर इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल विद द स्पीड बी, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, या मैं सिंपल बोल दूं फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। मार्क करते हैं स्ट्रिंग पे, स्ट्रिंग पे मार्क करेंगे तो 1 2 3 4 ठीक है, तो मैं स्ट्रिंग को इधर मारता हूं, देखो ये स्ट्रिंग ऐसे और फिर कुल मिला के ऐसे टेढ़ी गई। अच्छा जी इस पॉइंट की वेलोसिटी भाई 0। अच्छा ये पूरा ब्लॉक इधर जा रहा है तो पुली का हर पॉइंट भी इधर जा रहा होगा, ए स्पीड से पूरी पुली इधर जा रही होगी, तो जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ना, देखो ये वाला पॉइंट ये ए स्पीड से इधर जा रहा है। अच्छा जो ये बी पॉइंट है ना, तो ये इधर दूसरा पॉइंट को कॉन्टेक्ट है, ये भी ए स्पीड से इधर ही जा रहा होगा, तो ये पूरा वैक्स जिस स्पीड से वैक्स चलेगा उससे पुली चलेगी। अच्छा जी अब आ जाओ इस ब्लॉक के इस पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है ये बी स्पीड से किधर जा रहा है नीचे, पर इसके साथ साथ ये अब ये इधर जाएगा तो ये ब्लॉक इधर भी तो खिसकेगा, ये इसको इधर खिसकाओगे तो ये ब्लॉक जैसे मान लीजिए यहां पे आ जाएगा तो ये भी तो इधर आ जाएगा, इधर भी तो खिसकेगा ये, तो इसकी दो स्पीड है क्योंकि इसे ब्लॉक के टच में तो ये ए स्पीड से इधर भी जा रहा है और बी स्पीड से नीचे भी जा रहा है, दिस आर द टोटल स्पीड ओके। अच्छा जी और जो आपका एंगल है अगर मैं ये देखूं तो ये जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है यानी अलोंग द स्ट्रिंग, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है ये आपको दे रखा है थीटा ठीक है। तो देखो ये वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग नहीं आ रही और ये वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग नहीं आ रही, तो कंपोनेंट बनाओ भाई इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कितना आएगा a cos थीटा, ऐसे ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा होगा तो इसका भी अलोंग द स्ट्रिंग कितना आएगा a cos थीटा, बोलो आया। अब सारे पाइंट मेथड लगा दीजिए आप, इफेक्टिव लेंथ मेथड लगा दीजिए, ये पॉइंट कितने से 0 से, ये कितने से चला a से, a से इधर आया, a से इधर आएगा तो लेंथ घटेगी बेटा, ये इधर चलेगा तो ये वाली लेंथ कम होती जाएगी ना। अच्छा ये वाला ए से इधर आया तो अलोंग द स्ट्रिंग कितने से गया a cos थीटा से, और ये a cos थीटा से इधर जाएगा तो क्या ये इस वाली लाइन को क्यों बढ़ाएगा, यस सर बढ़ाएगा, तो प्लस का a cos थीटा आएगा,
अच्छा जी, ये जो ये वाला पॉइंट है इसके दो स्पीड, एक तो ये अलोंग द स्ट्रिंग और एक ये, तो ये वाला तो इस लेंथ को घटाएगा, जब ये तो इसकी तरफ ही इस वाले पॉइंट की तरफ ही भाग रहा है, तो ये लेंथ को घटाएगा तो माइनस का ही कोस थीटा, और ये जो b है ये इस लेंथ को बढ़ाएगा तो प्लस का b बराबर जीरो। सभी वेलोसिटी का सम कितना आया? जीरो। तो देखो ये इससे कट गया, आपके पास आया a इक्वल टू डी, a इक्वल टू डी द रिलेशन, ठीक है। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन को मैं और भी एक आसान तरीके से कर सकता था, ठीक है, वो और आसान तरीके से देखो कैसे करेंगे। इसी क्वेश्चन को इफेक्टिव लेंथ मेथड लगाया, आसानी से लग गया, कोई खास बात नहीं है। अगर दूसरा मेथड इससे थोड़ा आसान है, अगर आपको समझ में आता है तो लगाना है, वरना जो आपको बताया वो तो कर रहे हैं। ये एंगल है थीटा, ये है ए और ये है पुली, ये ऐसे कोई ब्लॉक और ये भी। चलिए आप एक काम कीजिए, आप इस ब्लॉक पे बैठ जाइए। अगर आप ब्लॉक पे बैठ गए तो भाई इसकी स्पीड कितनी हुई? जीरो। जिस चीज पर बैठ जाते हो उसकी स्पीड कितनी? जीरो। और सभी चीजों को रिवर्स स्पीड करके दे दो, यानी भाई वॉल को इधर बी स्पीड करके दे दो। अगर आप इस पे बैठ जाओगे तो ये वॉल पास दे, आप गाड़ी चलाओगे तो सामने दीवार आ जाती है, तो दीवार को पास आते हुए दिखाई देती ना। देखो ये सॉरी ये ए स्पीड से इधर जा रहा था, तो आप इस पे बैठ गए तो ये कैसा हो गया? रेस्ट, ठीक है। अच्छा ये रेस्ट आ गया तो इसकी स्पीड रिवर्स करके दे दो तो भाई वॉल इधर चलेगी, वॉल। अब वॉल ए से इधर चलेगी तो भाई ये एन कितने चला? ए से, ये एन जीरो, क्योंकि ये तो ब्लॉक के ऊपर है, ब्लॉक कैसा हो गया? रेस्ट पे। और ये भी कितने एन से? भाई ये भी जीरो से। अब ब्लॉक पे बैठे हो तो ब्लॉक तो रेस्ट पे है, तो सिर्फ यही वेलोसिटी बची। जब आप इस पे नहीं बैठे थे तो इसके पास दो वेलोसिटी थी, एक तो ब्लॉक वाली भी थी और एक ये वाली भी थी। अब ब्लॉक पे बैठ गए तो ब्लॉक तो रेस्ट है, तो सिर्फ ये वेलोसिटी बची भी। अब इफेक्टिव लेंथ मेथड लगाओ, सबसे पहले इस पॉइंट की वेलोसिटी, ये ए से इधर जा रहा है, लेंथ को घटा रहा है इतना, जीरो प्लस जीरो कुछ भी फर्क नहीं है, ये लेंथ को बढ़ा रहा है बी, प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी। तो अगर आप इस वेज पे बैठ जाएंगे तो वैसे बैठ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, सिंपल a इक्वल टू b आ जाएगा, आपको वेलोसिटी वगैरह के कंपोनेंट नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट इस पुली की वजह से लेने पड़ रहे थे। अब वैसे बैठ जाओ पुली रेस्ट पे आ जाएगी, तो पुली रेस्ट पे आ जाएगी, कंपोनेंट भी नहीं, ये जीरो, तो सिंपल a बराबर b आ जाएगा, रिलेशन वही आएगा। बस बेटर अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया अपन ने, अपन इस पे बैठ गए तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो गया, नहीं तो पिछला जो तरीका किया था वैसे तो वही था। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर लीजिएगा। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है, इसके बाद एक या दो क्वेश्चन और मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, उसके बाद अपन नेक्स्ट कंस्ट्रेंट पे पहुंच जाएंगे, जो है वेज कंस्ट्रेंट। क्या चीज है वेज कंस्ट्रेंट? ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।